तो फ्रेंड अब आपको बताते हैं कि साइड ट्रॉली बेड कैसे बनाया जाता है, ट्रॉली एंड बेड दोनों। तो सबसे पहले जितना भी साइज का आपको कटिंग चाहिए उस हाइट में, इसको जो है लास्ट आप 12 इंच रख सकते हैं और 16 इंच भी रख सकते हैं, 18 इंच भी रख सकते हैं। इसका मैट्रिक्स साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना हाइट में चाहिए। अगर आपका मैट्रिक्स का साइज चेंज आ रहा है, फिर 8 इंच आ रहा है, 12 इंच आ रहा है, तो उस हिसाब से इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो हम मैट्रिक्स कटिंग करने के बाद नीचे की तरफ ब्रीडिंग पट्टी डालेंगे। इससे होता यह है कि नीचे की तरफ जो इसमें पानी लगने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो ये ब्रीडिंग पट्टी आप जरूर लगाइए। तो फटाफट से जो हमको इसका ब्रीडिंग पट्टी जितना भी हमारा जो साइड का वाटर है दोस्तों, इसको हम लगा देंगे। और उसके बाद जो है अपना साइड साइड का जो वाटर है दोस्तों, उसको हम कटिंग करेंगे और इसको डबल एयर कर देंगे दोस्तों, ताकि जो है मजबूती थोड़ा सा ज्यादा रहे, क्योंकि साइड ट्रॉली इसमें बनेगा साइड साइड से। तो सिंगल मत रखिए, इसको डबल जरूर कीजिए। तो इसको जो हम डबल कर देते हैं फेको लगा के अच्छा से, ये देखेंगे इस प्रकार का जो हम लोग तीन रेडी करेंगे दोस्तों, क्योंकि अपना एक बीच में रहेगा और जो है वो साइड साइड रहेगा। और जो दोस्तों हम लोग का ये नीचे का जो वाटर रहेगा दोस्तों, ये सामने से जो है 3 इंच अंदर रहेगा, ऊपर का जो हम लोग को टॉप रहेगा दोस्तों वो 3 इंच बाहर रहेगा, ताकि जो अपना पानी चलने के बाद कम से कम 2 इंच तक जो है अंदर दिखे, उस हिसाब से हम लोग इसको बनाने वाले हैं। तो इसमें भी हम लोग नीचे से ब्रीडिंग पट्टी डाल देंगे, ताकि ये भी पानी लगने से बिल्कुल भी खराब ना हो। तो यहाँ पे हम लोग ब्रीडिंग पट्टी मारने के बाद में अब चलिए आपको बताते हैं इसका बेड कैसे तैयार होता है। तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो पीछे का वाटर है, और ये हमारा सेंटर का वाटर है, और ये जो है हमारा ये साइड साइड का वाटर है। तो इसको इस प्रकार से रखेंगे दोस्तों। अब ये जो सबसे सेंटर